उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, गोरखपुर में 4 फरवरी को चौरा चौरी दिवस मनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां 4 फरवरी को चौरी चौरा दिवस मनाया जाएगा। चौरी चौरा की बरसी पूरे होने पर यह दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। चौरी चौरा कांड में शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सम्मानित किया जाएगा। 102 लोगों की सूची इसमें बनाई गई है। प्रदेश के सभी शहीद स्मारक स्थलों पर उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो गोरखपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चौरी चौरा दिवस का आयोजन 4 फरवरी को किया जाना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं। ऐलान उनकी ओर से किया गया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तैयारियां इसे लेकर पूरी कर ली गई हैं। 102 लोगों की सूची बनाई गई है, जिसके तहत चौरी चौरा कांड में जो शहीद हुए थे, शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शहीदों के परिजनों को इस कार्यक्रम के तहत सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के सभी शहीद स्मारक स्थलों पर इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, चौरी चौरा दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाना है, कैसी तैयारियां इसे लेकर देखने को मिल रही हैं, कितना उत्साह इसे लेकर बना हुआ है? प्रदीप, ईशानी, जिस तरह से चौरी चौरा का जो कांड है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ब्रिटिश राज के लोगों ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था, तब से चौरी चौरा की जो है चौरी चौरा कांड को मनाया जाता है। लेकिन इस बार 100 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी ने ऐलान किया था कि हम शहीदों के याद में जो है बड़ा कार्यक्रम करेंगे, और चौरी चौरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी शहीद स्मारक स्थलों पर उत्सव का आयोजन होगा। उसी क्रम में गोरखपुर के चौरी चौरा की शुरुआत हो रही है। 102 ऐसे परिवार हैं, उस समय जो शहीद हुए पुलिसकर्मी थे, उनके ऐसे परिवार के लोग हैं जिनको जो है चिन्हित किया जा चुका है, और भी परिवारों की जो है सूची बन रही है। 4 फरवरी को सीएम योगी द्वारा ये परिवार जो है, परिवार के जो लोग हैं वो सम्मानित होंगे, और इसे स्पष्ट और कड़ा निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा कि हम शहीद परिवारों के साथ हैं। हमेशा विपक्षियों के निशाने पर जो है वर्तमान सरकार रही है, लेकिन उसको देखते हुए सीएम योगी ने ये निर्देश दिया है कि हम शहीद परिवारों का भी इतना ही सम्मान करते हैं जितना आम नागरिक करते हैं, जितना किसानों का करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है प्रोफाइल तैयार कर रहा है सीएम योगी, और उसके तहत उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा आयोजन होगा। जी प्रदीप, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सभी शहीद स्मारक स्थलों पर इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में कुल कितने शहीद स्मारक है, और अभी कैसी तैयारियां इन सभी जगहों पर शुरू हो चुकी है? प्रदीप, देखिए ईशानी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश वीरों की धरती रही है। तमाम ऐसे जिले हैं जिन जिलों का नाम भी उन शहीदों के नाम से है। बहुत ऐसे जिले हैं जहां पे प्रमुख स्थानों के नाम उन शहीदों के नाम पर हैं। तो करीब करीब जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में कोई ना कोई शहीद रहा है। अगर बात करें गोरखपुर, तो गोरखपुर में वीर बंधु सिंह और तमाम यहाँ के महिला पुलिसकर्मी, इसके अलावा फतेहगढ़ जनपद महाराजगंज, वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो सागर पटेल, और इस तरह से तमाम जो बड़े शहीद रहे हैं, उनके लिए तैयारियां शासन स्तर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिन तिथियों पे इन शहीदों का जो है ये शहीद हुए हैं, उन्हीं तिथियों पर इन आयोजनों को किया जाएगा। और इसका स्पष्ट निर्देश, इसका एक जो कारण वो ये भी है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो ये समझ सके कि हमारे शहीदों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया है। ईशानी, चलिए बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर में जो है चौरी चौरा दिवस का आयोजन 4 फरवरी को किया जाना है, इसे लेकर तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। 102 लोगों की जो है सूची भी तैयार की गई है, और इसमें शहीदों के जो परिजन हैं उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित किया जाए।